हेलो गाइस, मैंने नोटिस किया है कि आप वीडियो देख तो लेते हो पर प्रतिक्रिया नहीं जताते लाइक और कमेंट करके। इससे मुझे समझने में आसानी होती है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ भी रहा है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको अलग अलग एपिसोड के जरिए पैसे बचाने के कई तरीके बताए, साथ ही ये भी बताया कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते आ रहे हैं जिसकी वजह से पैसे बचा पाना आपके लिए और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन आप हमारी बातों पर तभी यकीन कर पाएंगे जब सच में आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि आप ये बात तो जानते ही हैं कि इंडिया में फ्री की एडवाइस देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कोई भी आपको सही तरीका नहीं बताता कि आखिर आप पैसे किस तरह से बचा सकते हैं। तो परेशान मत होइए, हम आपको सिर्फ एडवाइस नहीं दे रहे हैं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से इस एपिसोड में हम ये बताने वाले हैं कि आप अपने पैसे किस तरह से बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को चैलेंज करना होगा कि आज से 30 दिनों के लिए आप किसी भी गैर जरूरी चीज पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। अब ये गैर जरूरी चीज कौन सी होती है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है, यानी ऐसी चीज जिसको आप ना खरीदें या फिर जिस पर आप पैसा ना लगाएं, तो उसके बिना भी आपकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं और हर इंसान के लिए उसकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। तो इसकी पहचान आपको खुद करनी होगी कि आपके लिए गैर जरूरी चीज कौन सी है। अब आप में से बहुत से लोग यह कहेंगे कि जहां हम सालों से पैसा खर्च करते आ रहे हैं वहां अचानक पैसा खर्च करना बंद कर देंगे तो इससे तो काफी दिक्कत हो जाएगी और हो सकता है कि इस चैलेंज को हम पूरा भी ना कर पाए। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप नवरात्रि या रमजान में फास्ट रखते हैं, आपके सामने दुनिया का सबसे अच्छा खाना क्यों ना आ जाए आप उसे नहीं खाएंगे। ठीक उसी तरह से आपको यह चैलेंज करना होगा कि आपका गैर जरूरी चीजों को खरीदने का जितना भी मन क्यों ना करे आप उन चीजों को नहीं खरीदेंगे। आइए अब जानते हैं कि इन 30 दिनों में आपको क्या क्या करना है और इन 30 दिनों में कैसे आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो सबसे पहले आप जहां भी पैसा खर्च करते आ रहे हैं उन सब पर आपको नजर रखनी है और हर जगह पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से ये सवाल करना है, क्या सच में यहां पैसा इन्वेस्ट करने की मुझे जरूरत भी है या नहीं। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग करने की आदत है तो आपको अपनी शॉपिंग की आदत को भी थोड़ा कम करना होगा। अक्सर होता यह है कि हम शॉपिंग करने जाते हैं एक जीन्स और एक शर्ट खरीदने, लेकिन जब वहां से वापस आते हैं तो हमारा पूरा बैग भरा होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पहले से प्लान करके शॉपिंग करने नहीं जाते हैं। इसमें हो सकता है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी हों, हो सकता है आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि 30 दिनों तक आपको इन सभी चीजों पर कंट्रोल करना है। अगर आपको 30 दिन काफी लंबा वक्त लग रहा है तो आप इसे छोटा करके एक हफ्ते का भी रख सकते हैं और जब आपको इन सभी चीजों की आदत पड़ जाएगी तो आप धीरे धीरे एक अच्छे लाइफस्टाइल में जीना शुरू करेंगे जहां आप समाज तरीके से पैसे बचाएंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैसों के बारे में सोचना है और उन्हें कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि किसी चीज को खरीदने का मन किया और आपने तुरंत QR कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दी और उसके बाद घर जाकर अपने सोचा आखिर इन चीजों के मुझे सच में जरूरत थी भी ये नहीं। इसलिए इन सभी बातों का खास ध्यान रखें क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें धीरे धीरे गरीब बनाती चली जाती है और इसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम जिंदगी भर पैसा बचाते ही रहेंगे तो आखिर पैसे को खर्च कब करेंगे, और आखिर ऐसे ही पैसे बचाते रहे तो हम अपनी जरूरतें तो पूरी कर लेंगे लेकिन इससे हमारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होने वाली। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर पैसा बचाना ही है, बल्कि आपकी जिंदगी में एक पड़ाव वैसा भी आएगा जब आप खुलकर पैसा खर्च कर पाएंगे और इससे आपकी सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और वो सभी बातें क्या हैं
इन सभी के विषय में हम अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे और ये एपिसोड खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो अभी तक इस बारे में विचार कर रहे हैं कि अपना मन मारकर पैसा खोना कोई सही चीज नहीं है। तो आपकी इस गलत धारणा को भी हम अगले एपिसोड में दूर कर देंगे। और ज्यादा समय ना लगाते हुए चलते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ।